जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रोटीन कितना जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, और आप जब भी मसल बिल्डिंग की बातें करते हैं तो प्रोटीन का जिक्र जरूर होता है। चाहे आप एक फुल टाइम जिम गोअर हो या सीजनल जिम गोअर हो या आपने अभी स्टार्ट करा है जिम जाना, आपको प्रोटीन की नीड होती है जो आपके वर्कआउट को फ्यूल देता है और साथ ही मसल ग्रोथ और रिकवरी में भी हेल्प करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीतराज चौधरी आप सभी को फिर से हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो टॉप 10 हाई प्रोटीन फूड्स जो आपको मसल्स बिल्डिंग और आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में हेल्प करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, सोयाबीन। जैसे हम लोग जानते हैं सोयाबीन एक प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन को ऐड करके आप किसी भी डाइट को प्रोटीन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली बॉडी बिल्डर के लिए। सोया प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें इसेंशियल 9 अमीनो एसिड शामिल हो। जो 9 अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा खुद से प्रोड्यूस नहीं किया जाता और वो बहुत क्रूशियल होता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस और रिकवरी के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं ड्राई सोयाबीन में 36 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम में, जो इसको बनाता है सबसे हाईएस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स सर्च कर रहे हैं तो सोयाबीन वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल फॉर यू। सोयाबीन एक ऐसा सोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन कंटेंट आपको हेल्प करता है जो आपके डेली नीड जो प्रोटीन को उसको आसानी से फुलफिल कर सकता है, जो मसल्स रिकवरी और ग्रोथ में हेल्प करेगा। वो बहुत इसेंशियल होता है खासकर बॉडी बिल्डर के लिए। सोयाबीन हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन सोर्स प्रोवाइड करता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं या वीगन होते हैं जो ओनली प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स पर डिपेंड होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। सोयाबीन को आसानी से आप किसी भी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन मिलेगा जो मसल्स बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेगा और इफेक्टिव भी है। नंबर 2, चिकन ब्रेस्ट हाई क्वालिटी प्रोटीन भी होता है जो मसल बिल्डिंग में काफ़ी इफेक्टिव होता है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोटीन सोर्स फॉर नॉन वेजिटेरियन। चिकन ब्रेस्ट में कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, कहने का मतलब है कि उसमें जो इसेंशियल 9 अमीनो एसिड होते हैं वो उसमें पाया जाता है जो मसल्स ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। चिकन ब्रेस्ट में आपको आसानी से 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आफ्टर 100 ग्राम। स्किनलेस चिकन ब्रेस्ट होते हैं उसमें बहुत कम फैट होते हैं, स्पेशली सैचुरेटेड फैट बहुत कम होते हैं जो लीन फिजिक बनाने में काफ़ी मदद करता है और जिससे आप आसानी से अपना कैलरी इंटेक को मैनेज कर सकते हो। चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन के अलावा और भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन डी, स्पेशली नाइसिन और B6 जो एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मिनरल्स होते हैं जैसे फॉस्फोरस और सेलेनियम जो ओवरऑल हेल्थ और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। नंबर 3, टर्की ब्रेस्ट एक बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। टर्की ब्रेस्ट बेसिकली कंप्लीट प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें जो इसेंशियल 9 अमीनो एसिड इसमें पाया जाता है जो मसल्स ग्रोथ और मसल रिकवरी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बेसिकली टर्की ब्रेस्ट में 29 ग्राम प्रोटीन होता है आउट ऑफ 100 ग्राम जो काफ़ी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाई प्रोटीन बहुत जरूरी हमारे मसल्स ग्रोथ और रिकवरी के लिए। अगर आप इसे पोस्ट वर्कआउट खाते हैं तो बहुत बढ़िया है आप मसल्स ग्रोथ और रिकवरी के लिए, और टर्की ब्रेस्ट बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो लोग मसल्स बिल्डिंग करना चाहते हैं और अपने फिटनेस गोल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्किनलेस टर्की ब्रेस्ट में स्पेशली लो फैट बहुत कम होता है जो लीन फिजिक को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये आसानी से आपको कैलोरी को मैनेज करता है, उसके साथ ही आपको हाई प्रोटीन देता है जो मसल्स बिल्डिंग में काफ़ी ज़रूरी और आपकी लीन फिजिक को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा टर्की ब्रेस्ट में और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन बी, स्पेशली नाइसिन और B6 जो एनर्जी प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है। कुछ मिनरल्स इसमें होते हैं जैसे फॉस्फोरस और सेलेनियम जो ओवरऑल हेल्थ और इम्यून फंक्शन को बूस्ट करते हैं। नंबर 4, पीनट्स। पीनट्स एक बढ़िया सोर्स है हाई प्रोटीन स्पेशली फॉर वेजिटेरियन। जैसे कि मैं वेजिटेरियन तो मेरे लिए पीनट्स काफ़ी अच्छा है। मैं रेगुलर और दिन में कभी 50 से 100 ग्राम पीनट्स खाता नहीं खाते, लेकिन उसमें कुछ फैट्स भी हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पीनट्स में 26 ग्राम प्रोटीन होता है आउट ऑफ 100 ग्राम जो काफ़ी है अगर आप मसल्स बिल्डिंग करना चाहते हो। और जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है मसल्स ग्रोथ और रिकवरी के लिए, तो अगर आप
डेली प्रोटीन इनटेक को मेंटेन करना चाहते हैं तो पीनट्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। पीनट्स बेसिकली ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जो बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करता है, मसल्स ग्रोथ और रिकवरी में काफ़ी रखता है। पीनट्स में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो हार्ट हेल्थ और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छे और साथ ही ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये जो फैट्स होते हैं वो आपके इंटेंस वर्कआउट के लिए काफ़ी बने होते हैं जो सस्टेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पीनट्स में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि विटामिन ई, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और नाइसिन होते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी को अच्छी तरह से कंसर्व करने में हेल्प करते हैं, साथ ही मसल बिल्डिंग और रिकवरी में भी हेल्प करते हैं। नंबर 5, हेम्प सीड्स जिसको बोलते हैं भांग की बीज। जैसे कि भांग की बीज एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। इसमें 32 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम, तो समझ सकते हो कि आप आसानी से इसको यूज़ करके जो आपके डेली में प्रोटीन उसको कम्प्लीट कर सकते हैं। और भांग के बीज में कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है, जो 9 अमीनो एसिड होते हैं वो इसमें पाया जाता है जो आपके मसल्स बिल्डिंग और रिकवरी में हेल्प होता है। और ये बहुत शानदार प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जो आपको मसल्स ग्रोथ और रिकवरी में सपोर्ट करते हैं, जो खासकर बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भांग के बीज में इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ये जो फैट्स हैं ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्मोन प्रोडक्शन मेडिएट करता है जो इनडायरेक्टली आपके मसल्स ग्रोथ और रिकवरी में हेल्प करता है। भांग के बीज विटामिन ई का बहुत बढ़िया सोर्स है और कई तरह के मिनरल्स भी होते हैं जैसे मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक जो सपोर्ट करते हैं मसल्स ग्रोथ और रिकवरी को और साथ ही ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसमें हाई प्रोटीन होते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, आसानी से इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं जो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन के लिए और मसल्स रिकवरी। नंबर 6, ट्यूना फिश। ट्यूना फिश एक ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। बेसिकली ट्यूना में 29 ग्राम प्रोटीन होता है आउट ऑफ 100 ग्राम, वो भी पका हुआ हो तो। जैसे कि हम जानते हैं हाई प्रोटीन हमारे मसल्स ग्रोथ और रिकवरी में हेल्प करता है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी इसेंशियल। ट्यूना फिश में लो फैट होता है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट बहुत कम होता है। जब आप बहुत सारे वेराइटीज़ जैसे कि ट्यूना स्टिक हो गए या कैन ट्यूना वाटर हो गया, इसमें काफ़ी लो फैट होता है जो लीन फिजिक को मेंटेन करने में हेल्प करता है और आपके कैलोरी इनटेक को भी मैनेज करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है और मसल बिल्डिंग और मसल रिकवरी में हेल्प करता है और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ट्यूना जो बहुत बढ़िया सोर्स है इंपॉर्टेंट होते हैं इंक्लूडिंग विटामिन बी जैसे कि B12 और नाइसिन। इसके अलावा इसमें मिनरल्स भी होते हैं जैसे कि सेलेनियम और पोटेशियम। ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इम्यून फंक्शन और ओवर हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। नंबर 7, एग्स। एग्स बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का और ये इजीली अवेलेबल होती हैं सभी जगह और ये खासकर बॉडी बिल्डर के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होता है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होते हैं। एग्स में 13 ग्राम प्रोटीन होता है आउट ऑफ 100 ग्राम और एग्स को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें इसेंशियल 9 अमीनो एसिड होते हैं जो मसल बिल्डिंग और रिकवरी में हेल्प करते हैं। खासकर एग्स ल्यूसीन में हाई होते हैं अमीनो एसिड जो मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़रूरी है जो आपके मसल ग्रोथ और रिकवरी में हेल्प करता है। एग्स में हेल्दी फैट्स भी होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की सोर्स को सर्च कर लें तो एग्स आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये जो फैट्स होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन और ओवर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एग्स में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इंक्लूडिंग विटामिन बी जैसे कि B12 और रिबोफ्लेविन, विटामिन डी हो गए, कोलिन हो गए और सेलेनियम। ये जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, मसल्स फंक्शन को सपोर्ट करता है और ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। नंबर 8, पनीर जिसको कॉटेज चीज बोलते हैं। पनीर एक इंडियन कॉटेज चीज है जो कर्डल मिल्क से बनता है और वो बहुत बढ़िया प्रोटीन सोर्स है। पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम जो मसल्स ग्रोथ और रिकवरी के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है।
पनीर में जो एसेंशियल 9 अमीनो एसिड होते हैं वो पाए जाते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस और रिकवरी के लिए। पनीर में हेल्दी फैट्स भी होते हैं, कुछ सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं जो हार्मोन प्रोडक्शन और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। अगर आप अपनी कैलोरी इंटेक को कम करना चाहते हैं तो ट्राई करें कि आप लो फैट वाली पनीर को अपने डाइट में आए। पनीर में और भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन बी जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 9, नट्स और सीड्स होते हैं जो बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। अगर आप वेजिटेरियन हो तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता, बट जो प्रोटीन क्वांटिटी होते हैं वो उनके टाइप पे डिपेंड करता है, जैसे कि डिफरेंट नट्स और सीड्स के डिफरेंट प्रोटीन कंटेंट होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नट्स और सीड्स होते हैं जो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन के, जो मसल्स ग्रोथ और रिकवरी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि बादाम, बादाम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है और 15 ग्राम। अखरोट हो गए, इसमें 15 ग्राम प्रोटीन होता है और 15 ग्राम। काजू हो गए, इसमें 18 ग्राम प्रोटीन होते हैं और 100 ग्राम। पिस्ता जिसको पिस्टैचियोस बोलते हैं, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम। ये जो मैंने बताया ये सारी नट्स हैं। अब बात करते हैं सीड्स की, सीड्स में हाई प्रोटीन होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि पम्पकिन सीड्स हो गए, इसमें 30 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम। चिया सीड्स हो गए, इसमें 17 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम। फ्लैक्स सीड्स, इसमें 18 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम। सनफ्लावर सीड्स, इसमें 21 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, आप आसानी से प्रोटीन फुलफिल कर सकते हैं ये सारी नट्स और सीड्स को ऐड करके अपने डाइट में। ये तो मैंने प्रोटीन के बारे में बताया कि नट्स में कितने प्रोटीन होते हैं। अब इसके अलावा नट्स और सीड्स में हेल्दी फैट्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, और ये फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव। नट्स और सीड्स में ओमेगा 3 भी होते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स और हेम सीड्स, इसको बोलते हैं भांग की बीज, इसमें काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो काफ़ी फायदेमंद होते हैं मसल्स रिकवरी को हेल्प करने। नट्स और सीड्स में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है बादाम में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होते हैं, जबकि पम्पकिन सीड्स में जिंक और आयरन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे मसल्स फंक्शन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों नंबर 10, लेंटिल्स और पल्सेस। लेंटिल्स और पल्सेस होते हैं बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन। वैसे भी ये मोस्टली लोग डेली अपने डाइट में यूज़ करते हैं। प्रोटीन के अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेंटिल्स और पल्सेस में काफ़ी प्रोटीन है जो हमारे मसल्स ग्रोथ और रिकवरी में हेल्प करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेंटिल्स और पल्सेस के जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और 100 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे एग्जांपल में चिक पीज हो, चिक पीज में 19 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम। ब्लैक बीन्स में 21 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम। रेड लेंटिल्स हो गए, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन होता है और 100 ग्राम। ग्रीन लेंटिल्स हो गए, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम। ब्राउन लेंटिल्स हो गए, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम। ब्लैक लेंटिल्स हो गए, उसमें 10 ग्राम होते हैं आउट ऑफ 100 ग्राम। तो ये तो सारी लेंटिल्स की बात करेंगे। अब पल्सेस की बात करें, किडनी बीन्स इसको बोलते हैं राजमा, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है आउट ऑफ 100 ग्राम। मूंग हो गए, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन होता है आउट ऑफ 100 ग्राम। तो ये सारे बीन्स आप अपने डाइट में ऐड करते हैं आसानी से अपने डेली प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट कर पाए। ज़्यादातर लेंटिल्स और पल्सेस होते हैं इसमें लो फैट है। अगर आप अपने फिजिक को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको लेंटिल्स और पल्सेस ऐड करना चाहिए, इससे आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिलेंगी और आपके लीन मसल्स भी बिल्ड होंगे जो आपके लीन फिजिक को मेंटेन करेगा। लेंटिल्स और पल्सेस में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फोलेट। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मसल फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। वेजिटेरियन और वीगन के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप हाई प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हैं तो अपने डाइट में लेंटिल और पल्सेस को ऐड जरूर करें, जैसे कि मैं वेजिटेरियन।
मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं ज़्यादातर अपने डाइट में लेंटिल्स और पल्सेस में ऐड करता हूँ, जिससे जो मेरी डेली प्रोटीन इनटेक की नीड होती है वो आसानी से मैं फुलफिल कर पाऊँ बिना किसी एनिमल प्रोडक्ट पर निर्भर करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, साथ ही कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।